तो अभी हमने इफ के करीब 5-6 एग्जाम्पल लिए, लेकिन हमने सिंपल इफ के एग्जाम्पल लिए जहां पे हमारे पास एक कंडीशन थे। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत के एग्जाम्पल में बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटर लगाना सिखाया था, मतलब एक कंडीशन पे ऑपरेटर आप लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो, जैसे कि सेल्स में मुझे इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव में यह है कि मेरा पे 75 to 95 में जो भी आया सेल्स होंगे उन पे मैं 500 का इंसेंटिव देना चाहता हूं। ओके, बट प्रॉब्लम यह है कि हम एक बार में एक ही लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं ना। एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर लगाने के लिए दो तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, पहला एंड और दूसरा और। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड के ऊपर। तो हम पहला एंड और दूसरा और को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम होगा देंगे एंड। एंड फॉर्मूला में हम एक से ज्यादा कंडीशन डालते हैं जो कंडीशन रिक्वायर्ड हो, जो कंडीशंस रिक्वायर हो उसको हम एंड फॉर्मूला में डालते हैं। तो एंड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 75, और फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 95। तो रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। देखिए मुझे यहां तो 500 और जीरो देना है, तो उस केस में मैं यहां पे इफ फॉर्मूला, और इसमें हमने बोला कि अगर ये जीरो है यहां ट्रू है तो 500, अदरवाइज यहां पे जीरो आना चाहिए, और एंटर मारा नीचे तक ड्रैग किया तो आपके सामने आएगा। जैसे यहां पे 70 डालूंगा 70 आ जाएगा, 80 डालूंगा 80 आ जाएगा। तो एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए करते हैं। तो एंड की अगर दूसरी एग्जांपल देखना चाहे तो देख सकते हैं।